हम कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ डिस्कस किए सबसे पहले हमने एरियोलर टिश्यू एडिपोज टिश्यू जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं वो डिस्कस किए आफ्टर दैट हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया आज हम बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एक सपोर्टिव टिश्यू है और जो बॉडी का स्केलेटन है स्केलेटन मतलब ढांचा ये सब मिलकर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करता है इट हैज़ सॉलिड मैट्रिक्स सॉलिड मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो भी ग्राउंड सब्सटेंस है वो इसमें सॉलिड नेचर का है और लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं और वो फ्लूड फिल्ड स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं जैसे सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा स्पेस होगा उस स्पेस को हम क्या कहेंगे लेक्यूने कहेंगे ठीक है वहाँ पर लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं ये दो तरह का होगा बोन और कार्टिलेज अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बोन एंड व्हाट इज कार्टिलेज बोन इज आल्सो अ स्केलेटल टिश्यू ये पूरी स्केलेटन को मेन बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जो शरीर का ढांचा है उसको एक बेस प्रोवाइड करेगा द सेल्स ऑफ द बोन आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोवर्ड जहाँ भी होगा वो हमेशा बोन के लिए यूज़ होगा ठीक है दे आर प्रेजेंट इन द लेक्यूनी लैक्यूनी क्या है मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है द द स्पेस इज कॉल्ड एज लेक्यूनी एंड दे सिक्रीट द मैट्रिक्स कोलेजन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना होता है और उस मैट्रिक्स का नाम होता है ओसिन जैसे कार्टिलेज में कौंड्रीन होता है इसीलिए इसी तरह से बोन्स के केस में ओसिन होता है देर इज़ ब्लड सप्लाई इन बोनी टिश्यूज यहाँ ब्लड सप्लाई होती है द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स जो ऑस्टियोसाइट्स यानी कि बोन सेल्स हैं उनकी एक्सटेंशंस यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज मेक टाइनी बहुत छोटे छोटे चैनल्स बनाती हैं ये जिन्हें हम कैनैलिक्यूली कहते हैं ये हम जब बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वहाँ हम देखेंगे जब ये बोन की सेल्स आप स में एक दूसरे के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से चैनल्स फॉर्म करेंगी उसको हम कैनलिक्यूली कहते हैं दीज चैनल्स हेल्प इन कम्युनिकेशन अमंग ऑस्टियोसाइट्स एंड कैपिलरीज ऑस्टियोसाइट्स यानी कि बोन सेल्स और उनके आसपास जो बहुत ही नैरो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज प्रेजेंट हैं उनमें एक कम्युनिकेशन डेवलप करने का काम करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं बोन्स के बारे में ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होती वो एक लेयर कंसेंट्रिक लेयर्स में प्रेजेंट होती है कंसेंट्रिक लेयर्स क्या होती है जैसे एक लेयर ये हो गई दूसरी ये हो गई इस तरह से सर्कुलर लेयर्स फॉर्म करना वो कंसेंट्रिक लेयर्स कहलाता है ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर इन ईच ओस्टोन ओस्टोन मतलब जो ग्रुप ऑफ ओस्टियोसाइड्स होगा एंड इट इज़ कॉल्ड एज लेमिली और इसको हम लेमिली कह देंगे यानी कि ये एक कंसेंट्रिक लेयर्स हैं और इनमें यहाँ पर डिफरेंट बोन सेल्स प्रेजेंट हैं तो हम इसको कम्प्लीट को क्या कह देंगे कि ये लेमिली है कैपेलरीज एंड नर्व पास थ्रू अ सेंट्रल चैनल कैपेलरीज और नर्वस इस सेंट्रल चैनल से पास करते हैं एंड इट इज़ नोन एज हेवर्शियन कैनाल्स इट इज़ कॉल्ड एज हेवर्शियन कैनास हेवर्शियन केनाल्स आर सराउंडड बाई लेमिली अभी ये हेवर्शियन केनाल है तो दिस इज सराउंडेड बाई दिज लेमिलीज देयर इज़ अ सेंट्रल मैरोविटी मैरोविटी मतलब वो अंदर से होली है और स्पंजी है वो स्पंजी टिश्यू से बनी होती है इट इज कॉल्ड एज मैरो और अगर ये बोन में है तो हम इसको क्या कह देते हैं कि दिस इज बोन मैरो ठीक है यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बोन हियर दिस इज द पेरी ओस्टियम पेरी ओस्टियम मतलब बोन के ओस्टियोसाइट्स के uh, और एक ओस्टियोन होगा जिसमें बहुत सारी ओस्टियोसाइट हैं उसके बाहर की जो लेयर होगी दैट इज़ पैरी ओस्टियम आउटर मोस्ट कवरिंग दीज आर कंसेंट्रिक लेमिली हमने लेमिली के बारे में बात की थी ना कि इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर्स में ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं उनको हम कंसेंट्रिक लेयर लैमिली कहेंगे कंसेंट्रिक का मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स यानी कि बहुत सारे सर्कुलर uh, लेयर्स दीज आर हार्वेसियन कैनाल सेंटर में जो कैनाल हैं दैट आर हार्वेसियन कैनाल सारी ब्लड सप्लाई यहीं होती है कैनलिक्यूली दीज आर दक्चर जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के थ्रू ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं साइटोप्लाज्मिक चैनल्स क्या होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तुम देख सकते हो गे यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनके थ्रू ये सभी ऑस्टियोसाइट्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं ये जो बोन मैरो कैविटी है कैविटी मतलब फ्री स्पेस बोन के अंदर का फ्री स्पेस वहाँ पर नीचे की साइड जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज एंडो एंडो का मतलब इनर ओस्टियम मतलब जो ऑस्टियोसाइट्स का ग्रुप है ओस्टियोन उससे रिलेटेड तो उनकी जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडो ओस्टियम वट आर द फंक्शंस ऑफ द बोन इट फॉर्म्स द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करता है बोन इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स जरूरी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन है हार्ट लंग्स क्योंकि अगर ये ऑर्गन्स डैमेज हो गए किसी एक्सटर्नल फोर्स से तो बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी ठीक है तो इन सभी वाइटल ऑर्गन्स बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम बोन करते हैं जैसे हमारे ब्रेन में स्कल है स्कल में भी बोन्स uh, प्रेजेंट होती हैं लंग्स चारों तरफ रिब्स प्रोटेक्ट करके रखती हैं उनको ठीक है इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द अटैचमेंट टू मैनी मसल्स अब मसल्स हैं वो 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 मूव किसके सहारे करेंगी कि वो एक बोन के ऊपर अटैचमेंट फॉर्म करती हैं और उसके बाद हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं जैसे हम अपने फिंगर्स को मूव कर सकते हैं ठीक है वो सब कैसे पॉसिबल है कि बोन्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट हैं मसल्स अपना शेप चेंज करते रहते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से और हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं इट फॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स विच टेक पार्ट इन बॉडी मूवमेंट्स अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं जैसे नी जॉइंट हैं शोल्डर जॉइंट हैं वहाँ पर जो बोन्स हैं वो जॉइंट फॉर्म करती हैं इसी वजह से बॉडी मूव कर पाती है इट स्टोर्स मिनरल्स जो बोन्स हैं वो मिनरल स्टोर करने का काम करते हैं बॉडी के लिए कि जब बॉडी को उन मिनरल्स की जरूरत हो तो बॉडी बोन्स के डीकम्पोजिशन से उन मिनरल्स को ले लेती है बोन्स धीरे धीरे बॉडी में टूटती भी रहती हैं और बनती भी रहती हैं बनने का मतलब है कि वो मिनरल उनके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और टूटने का मतलब क्या है कि वो मिनरल उनसे ले लिए जाते हैं जै कौन कौन से मिनरल्स हैं जैसे फॉस्फेट हैं कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हम कहते हैं ना कि बोन जो है वो कैल्शियम से बनी होती हैं इसका मतलब यही है कि जो कैल्शियम फोस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट है वो जाकर बोन में डिपॉजिट हो जाता है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम फोस्फेट इस तरह के मिनरल्स को स्टोर करने का काम बोन करते हैं तो बोन के बहुत सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए कार्टिलेज इज द सॉफ्ट टिश्यू ठीक है ये स्केलेटल टिश्यू है लेकिन इसका नेचर सॉफ्ट है इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ईयर नोज हैंड्स आपका जो ईयर पिन्ना है ना वे वेयर वी पुट ईयर रिंग्स वो पार्ट कार्टिलेज से बना है कार्टिलेज की जो सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स ठीक है क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन कौंड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट है विच आर एनक्लोज इन अ हार्ड रबरी मैट्रिक्स रबरी मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स जो है वो रबर जैसा है और वो मैट्रिक्स प्रोटीन शुगर के कॉम्प्लेक्स से बना है जिसको हम कॉन्ड्रीन कहेंगे दीज आर सिक्रेटेड बाई डैम दे सिक्रेट कॉलेजन फाइबर्स ऑल्सो कॉलेजन फाइबर्स द फाइब्रस टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ कॉलेजन प्रोटीन विच प्रोवाइड्स एडिशनल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड करेंगे कॉन्ड्रोसाइड लाई इन द कैविटीज नोन एज लेक्यूने यहाँ पर भी लेक्यूने बने हुए हैं और वहाँ पर कॉन्ड्रोसाइड स्लाई करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ टू टू फोर सेल्स और सिंगली सिंगल सेल भी मिल सकती है या फिर टू टू फोर सेल्स के ग्रुप में भी मिल सकते हैं कार्टिलिस प्रोसेस इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रैचिंग प्रोवाइड करता है बहुत ही फ्लेक्सीबल पार्ट होता है जैसे आप नोज को टिप कर नोज़ की टिप को टच करके देखें या ईयर पिना को टच करके देखें यू विल फील द कार्टिलिज दैट इट इज़ वेरी सॉफ्ट दे लैक नर्व्ज नर्व्ज नहीं होती ब्लड और लिम्फ वेसल्स भी यहाँ पर नहीं होती हैं इसीलिए हम इस पार्ट को जब पोरिंग कराते हैं ईयर रिंग्स पुट करने के लिए तो कोई ब्लड नहीं आता है ठीक है दे लैक नर्व्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स लिम्फ एक फ्लूड है जिसमें लिम्फेटिक जो लिम्फेटिक टिश्यू का मेन uh, कंपोनेंट है और लिम्फ हमारी बॉडी में ब्लड के फिल्ट्रेशन uh, के बाद बनता है जो ब्लड वेसल से ब्लड रिस्क के चला जाता है उससे लिम्फ बनता है और इसमें बहुत सारी इम्यून सेल्स हैं जो बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज यू कैन सी पेरी कॉन्ड्रियम देखो जो भी कार्टिलेज है ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना है कॉन्ड्रिन प्रोटीन क्या है प्रोटीन और शुगर का एक कॉम्प्लेक्स है तो इसके आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरी कॉन्ड्रिंग कॉन्ड्रियम कहेंगे दैट इज आउटर मोस्ट कवरिंग इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं अब टिश्यू को ब्लड सप्लाई करना है तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे इसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट हैं दिस इज़ द मैट्रिक्स विच इज़ मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन दीज आर द सेल्स दैट आर कोंड्रोब्लास्ट यानी कि यहाँ से नई कॉन्ड्रोसाइट्स अराइज होंगी दीज आर द कन्ड्रो ब्लास्ट ये न्यू कोंड्रोसाइट्स को प्रोड्यूस करेंगी जैसे बोन में ओस्टियोसाइट्स होता है बोन सेल्स उसी तरह से कार्टिलेज में कोंड्रोसाइट्स होती हैं दैट आर द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कोंड्रोसाइट्स को फॉर्म करेंगे दीज आर द कोंड्रोसाइट्स ये क्या शो किया गया है कोंड्रोसाइट्स शो की गई हैं इन लेक्योने लैक्योने क्या है मैट्रिक्स के अंदर फ्री स्पेस है वहाँ लिविंग सेल्स हैं दैट आर कॉन्ड्रोसाइट्स अब हमने पढ़ा था कि ये सिंगली भी प्रेजेंट हो सकती हैं ये टू के ग्रुप में भी हो सकती हैं या फोर के ग्रुप में भी हो सकती हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज अब बात करते हैं कार्टिलेज के फंक्शंस के बारे में इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स लाइक पिन्ना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट कैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं पार्टिकुलर मैट्रिक्स है ठीक है सेल्स अरेंज हैं लेक्य में तो ये एक सपोर्टिव टिश्यू हो गया यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप का स्केलेटल टिश्यू फॉर्म कर रहा है बोन के साथ बॉडी का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मेंटेन करने में उसकी हेल्प कर रहा है एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल नहीं है कोई नर्व्स नहीं है लिम्फ वेसल नहीं है तो ये बॉडी को बहुत ही इजीली फ्लेक्सिबल पार्ट चाहे वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है तो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पिन्ना क्या होता है जो ईयर का वो पार्ट जहाँ पर हम ईयर पुट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पिन्ना इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शनल वियर एंड टीयर ऑफ बोन टिप्स देखो एक ये बोन है और दूसरी बोन ये है ठीक है तो जब ये जॉइन करेंगी तो कई बार इनके बीच कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो क्यों क्योंकि अगर इनके ये टिप्स हैं अगर ये बार बार टच करेंगी और फिर एक दूसरे को रब करेंगी तो ये जो बोन टिप्स हैं इनका वियर एंड टीयर हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से ठीक है इसको प्रिवेंट करने का काम कार्टिलेज करता है थर्ड है कार्टिलेज फंक्शंस एज कुशन्स अगेंस्ट स्ट्रेसेस, वेरियस स्ट्रेसेस जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया कोई एक्सटर्नल प्रेशर है उसके अगेंस्ट कुशन की तरह काम करता है कुशन मतलब एक सॉफ्ट टिश्यू है ये जो बाकी के अंदर के टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है दैट आर द फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज